वेलकम टू अनदर टेक एंड किलोमीटर वर्क करोड़पति दिल्ली। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं पीसीएम प्लस और 67 इन 1, तो कुछ लोग पूछ रहे हैं कि भाई इसके अंदर ही लाइसेंस आप ओपन करते हो, जो अभी नए नए आप देख रहे हो मार्केट के अंदर ओरिजिनल के अंदर आ रहे हैं, ओरिजिनल जो पीसीएम प्लस अपना आता है पीसीएम प्लस उसके अंदर आप हमें इसका लाइसेंस खोल दो, तो ये मुश्किल है, ये नहीं खुलता है। जो लोग भी वीडियो बनाते हैं ना वो क्लियर वीडियो नहीं बनाते हैं, थोड़ा बहुत सीक्रेट रखते ही है यूट्यूब के अंदर ताकि आप पूछो। मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि भाई ये जो आप पीसीएम प्लस देख रहे हैं ना, ये पास थ्रू डिवाइस है, इससे आप वो सॉफ्टवेयर कनेक्ट कर सकते हो ओरिजिनल वाला। और ये भी बता देता हूं, मैंने वीडियो में बताया था कि आप दोनों ही सॉफ्टवेयर एक साथ में नहीं चला सकते हो, या आपका ओरिजिनल चलेगा या आपका ये क्रैक चलेगा। अगर दोनों ही चलाना है तो आपको अलग अलग लैपटॉप में डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये आपने डाल दिया तो गलती से आपका अपडेट हो गया तो हो सकता है आपकी डोंगल डैमेज हो जाए। आजकल तो अच्छी डोंगल आ रही है अपडेट होने के बाद भी बहुत लोगों के चल रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले डोंगल खराब हो जाती थी, डिवाइस खराब हो जाती थी। आजकल ये सारी डिवाइस जो आ रही है बहुत ही अच्छी आ रही है और ये हमारे पास 9999 रुपीज में अवेलेबल है। तो इसके अंदर आपको 67 इन 1 मिलेगा लाइसेंस। लाइसेंस का डिटेल चाहिए तो मैं एक फाइल है, आपको जो भी ईसीएम कौन से इसके अंदर सपोर्ट है पूरा मैंने कंपनी से मंगा के आपको, आप डिटेल्स में जाएंगे तो गूगल ड्राइव पे एक लिंक है, वहां पे आप लिंक ओपन करके आप देख सकते हैं कि भाई किन से कौन से ईसीएम आपको इसके अंदर रिटर्न राइट हो जाएंगे। अब बात आती है SM2 Pro J2534 और इसकी, तो दोनों सेम है, हार्डवेयर में फर्क है स्कैमेटिक डिवाइस में और डोंगल की डिजाइन अलग है, बाकी सेम सॉफ्टवेयर है सेम हार्डवेयर है, आगे पीछे एक वर्जन ऊपर नीचे है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, काम करने का तरीका बिल्कुल सेम है, चाहे कोई भी वर्जन लो कहीं से भी कोई फर्क नहीं है। 67 इन 1 लेना है आपको बस, चाहे आप पीसीएम फ्लैश लगा के वही चलाओ या SM2 पे ये चलाओ, दोनों ही एक ही है, खाली जो है वर्जन का फर्क है, ड्राइवर का फर्क है बस, बाकी बहुत ही अच्छी तरीके से ये काम करता है। अब आगे मैं वीडियो में बताऊंगा कि ये पीसीएम फ्लैश और SM2 Pro आपको आगे पीसीएम ओरिजिनल फ्लैश में कितनी काम आती है और कैसे काम आती है, और इसके अंदर भी जैसा SM2 में बोला था वैसे ही इसके अंदर सॉफ्टवेयर फ्री नहीं है, ट्राई करेंगे इसमें भी हम सारे सॉफ्टवेयर आपको फ्री कर दे, कुछ कुछ जो फाइलें बनानी पड़ती है उसमें दिक्कत आती है इसको चलाने के लिए, तो चल रहा है ट्रायल, इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों की दुआ रही तो वो भी हम कर देंगे। तो जो भाई भी हमारा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएंगे तो आपको बहुत सारी नई नई वीडियो मिलती रहेंगी, और हमारे यूट्यूब चैनल के नीचे डिटेल्स में हमारा इंस्टाग्राम चैनल का भी लिंक है, वहां पे आप लाइक और फॉलो कर दीजिएगा ताकि वहां पे भी बहुत सारी नई नई प्रोडक्ट और नई नई ऑफर्स मिलती रहेगी। तो आपने समझ लिया, और इसके लिए भी और डिटेल्स वीडियो है वो मैं आगे कौन कौन से सॉफ्टवेयर चलेंगे इसके ऊपर वो भी मैं आपको बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।